खुले में पेशाब करने वाले युवक को सरेआम एक सिरफिरे ने मारने के लिए चाकू से हमला करने का प्रयास किया। इस बीच वहां से ऑटो में गुजर रहे युवक ने बीच बचाव करने की कोशिश को तो सिरफिरे ने उसके गले में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद सिरफिरा युवक फरार हो गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। यह सनसनीखेज घटना पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना इलाके का है। मृतक की पहचान वसीम 30 के रूप में हुई है। वह ट्रैवल एजेंसी की बस में कंडक्टर थे। मूल रूप से मुरादाबाद के रहने वाले वसीम गाजियाबाद के लोनी में परिवार के साथ रहते थे। इनके परिवार में पत्नी महरीन, दो बेटियां और दो भाई नदीम व सद्दाम है। वसीम के पिता की 18 साल पहले सड़क हादसे में जबकि मां की 6 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे वसीम अपने मामा मुस्तकीम और भाई शाकिब के साथ आए ऑटो से घर लौट रहे थे। जब ये शास्त्री पार्क रेड लाइट से करीब 100 मीटर आगे पहुंचे थे तभी एक युवक शोर मचाते हुए अचानक आए ऑटो के सामने आ गया। वह कहने लगा कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। इस पर आए ऑटो चालक ने मदद करते हुए उसे आए ऑटो में बैठा लिया। उसी दौरान पीछा कर रहा सिरफिरा भी वहां आ गया और जबरन ऑटो को रुकवा लिया। वसीम के परिजनों ने पुलिस को बताया कि सिरफिरे युवक ने ऑटो वाले से कहा कि खुले में पेशाब करने वाले को बाहर निकालो। इस पर वसीम ने बीच बचाव करते हुए कहा कि यह माफी मांगने को तैयार है, इसलिए उसे छोड़ दो। इसे देख सिरफिरा युवक भड़क गया और वसीम को ही सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद सिरफिरे ने वसीम की गर्दन में चाकू घोंप दिया। चाकू गर्दन से आर पार हो गया। इसके बाद आरोपी तुरंत फरार हो गया। घायल वसीम को तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद अस्पताल में वसीम की मौत हो गई। इस वारदात को लेकर उस्मानपुर थाने की पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी के बारे में सुराग लगाया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उससे किसी सिरफिरे पर ही शक है। हालांकि उसे गिरफ्तार करने के बाद ही आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में साफ जानकारी दी जा सकेगी। आरोपी ने पहले वरुण नामक युवक का पीछा किया था। वरुण शुक्रवार तड़के बस से पंजाब से बस दिल्ली पहुंचे थे। वह शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास उतरे थे। उतरने के बाद खुले में पेशाब करने थे तभी एक सिरफिरा पीछे लग गया। वह खुले में पेशाब का बहाना बना छीना झपट्टी करने लगा। उन्होंने मदद के लिए आए ऑटो वाले को रोक लिया था। तभी वसीम ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उन्हें चाकू मार दिया।